करनाल हाईवे पर कार सवार व्यापारी पर फायरिंग हो गई है। बदमाशों ने कार सवार व्यापारी पर फायर किया है। व्यापारी के पैर में गोली लगी और इलाज जारी है। व्यापारी से कैश गाड़ी लेकर बदमाश फरार हो गई है और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। करनाल हाईवे से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां करनाल हाईवे पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और व्यापारी के ऊपर फायरिंग भी की, जिसमें व्यापारी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसा ही तकरीबन ये 7:30 बजे करीब बस स्टैंड के पास से निकले हैं, आईटीआई दिल्ली जा रहे थे। तो आईटीआई चौक के तरफ से निकले हैं तो किसी ने हाथ दिया तो रोक लिया उन्होंने गाड़ी, भाई हमने भी दिल्ली जाना, हमें छोड़ दो। तो उनको बैठाया तो यहाँ आखिर खंड के पास इन्होंने जाके पहले हाथ तक गर्दन दबानी गया और थोड़ी हाथ तक होगी गया, फिर पैर में गोली मार के गाड़ी गई। आपकी गाड़ी में कौन थे? मेरा भाई था और दुकान का लड़का था। क्या नाम है उनका? संजय। तो गोली किसको लगी है? भाई के पैर में मारी। उन्होंने वहाँ आईटीआई चौक से दो बंदों को लिफ्ट दी थी, उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, अननोन व्यक्ति थे। उन्होंने उनकी सहायता के लिए उनको लिफ्ट दी और उन्होंने यहाँ आके रास्ते में अपने नीलकंठ के सामने उन पर फायर किया, जिससे कि अपना की गाड़ी भी छीन गया उनकी। हाँ, उनकी गाड़ी छीन के भाग गए, जिसके तो जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा सर। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द उसको ट्रेस किया जाएगा और हमारी सीआईडी की टीम उनके पीछे लगी हुई है अभी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, व्यापारी के ऊपर फायरिंग की गई है, उसके साथ लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं, अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, व्यापारी के साथ नौकर भी था, फिलहाल उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। और नेशनल हाईवे पर कुटेल गांव के पास ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, उसके आसपास कई शोरूम है, कई ढाबे हैं, होटल है, तो वहां से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जब ये वारदात हुई थी तो उसके बाद जब पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची थी तो सीआईए की टीमें लगातार उनको ट्रेस करने में जुटी हुई हैं। आसपास के गांवों में जाकर छानबीन की जा रही है, हाईवे पर लगातार उनका पीछा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाए। वहीं अभी व्यापारी जो है वो घायल अवस्था में है, अस्पताल में भर्ती है, इंतजार किया जा रहा है कि वो अच्छे तरीके से होश में आ जाए और उसके बाद उसे बातचीत की जा सके और उन तमाम जो बदमाश थे उनका हुलिया पता लगाया जा सके। कई बार हम नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर लालच में आ जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो किसी को हम बिठा लें और उससे हमें किराया मिल जाएगा, और यही घटना यहाँ पर भी देखने को मिली है क्योंकि व्यापारी और उसका नौकर दिल्ली जा रहे थे करनाल से। तो आईटीआई चौक एक पड़ता है करनाल में, वहां पर दो लोगों को लिफ्ट दी जाती है, दो लोगों को बिठाया जाता है। जब उनकी गाड़ी करनाल शहर से आगे बढ़ जाती है, थोड़ा सा सुनसान इलाका था, हाईवे का इलाका था, तो वहां पर व्यापारी के साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद फायरिंग की जाती है। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है जो व्यापारी को लगी हैं गोलियां, और कट्टा जिससे फायरिंग की गई थी वो मौके पर छोड़कर फरार हो जाते हैं बदमाश। गाड़ी ले गए हैं और करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास कैश था, जिससे स्पेयर पार्ट का सामान खरीदना था व्यापारी ने, वो कैश भी लेकर गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।